लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गुरूर में रहते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां तक खा जाते हैं। जो आँख माइनस देखने की आदि हो जाए उसे प्लस में भी दो माइनस नज़र आते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, अपनी जवानी के धोखे में मत आना, ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। मौला अली ने फरमाया, मुसीबत के वक्त घबरा जाना मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। इमाम अली ने फरमाया, दो चीज़ों ने इंसान को हलाक कर डाला है, गुर्बत का खौफ और शोहरत की तलब। ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच बोलने पर भी रूर जाए उसे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, ज़िंदगी में तकलीफ आए घबराना नहीं, जो दोस्त मुश्किल में काम आए उसे गंवाना नहीं, जो मुश्किल में साथ ना दे उसे दोस्त बनाना नहीं। ज़िंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। इख्तलाफ़ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, ख़ानदानी होने की दलील है। मौला अली से पूछा गया, जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? आपने फरमाया, जो फ़कत अपने लिए सोचे वो जानवर है, और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। मौला अली फरमाते हैं, बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं, और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पिछले कदम से मुश्किल मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। मौला अली फरमाते हैं, ज़िंदगी में कसम, कदम और कलम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता? हज़रत अली ने फरमाया, वज़ू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, आदिल हुक्मरान, मज़लूम, रोज़ादार। हज़रत अली ने फरमाया, दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क होता है, एक आगे और दूसरा पीछे, मगर ना आगे वाला गुरूर महसूस करता है ना पीछे वाला तौहीन, क्योंकि दोनों जानते हैं कि पल भर में जगह बदलने वाली है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। बुरा वक्त घोड़े पर बैठ कर आता है लेकिन जाता चूंटे की पीठ पर है, मगर जाते जाते बहुत से फजूल और मतलब परस लोगों को बिठा कर ले जाता है। तंज वो तीर है जो शहद में भिगो कर भी मारा जाए तब भी उसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पहुँचती है, उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती है। इमाम अली ने फरमाया, घर में गुस्सा होना गोया उसे वीरान करना है। हज़रत अली ने फरमाया, जब दिल घबराए तो अलम मशरा पढ़ लिया करो, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। हज़रत अली ने फरमाया, दुनिया में दो काम बहुत मुश्किल हैं, एक उसके साथ रहना जिससे मोहब्बत ना हो, दूसरा उसके बगैर रहना जिससे मोहब्बत हो। हज़रत अली ने फरमाया, जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स बेबसी के वक्त 5 बार या रब्बाना कहे, अल्लाह पाक उसे जो दुआ मांगता है अता करता है। हज़रत अली ने फरमाया, फजर के वक्त अगर खुद आँख खुले तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। हज़रत अली ने फरमाया, अस्तगफार और दुरूद शरीफ की कसरत इंसान का मुकद्दर बदल देती है। हज़रत अली ने फरमाया, इज्जत अल्लाह की रज़ा में है, लोगों की फरमाबरदारी में नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है।